जय हिंद एवरीवन। तो वेलकम है आज आप सबका हमारे आज के इस यूट्यूब वीडियो पे। वैसे तो मैं यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप लोग रेगुलर हमारे वीडियोस को देखोगे और हमें हमारे वीडियोस को पसंद करोगे तो हम रेगुलर आपके लिए नए नए कंटेंट लेके आएंगे और रेगुलर उन एग्जाम्स को लेके आएंगे, उन एग्जाम्स के बारे में बताएंगे जिसमें मैं लगा हूँ और जिसमें आप लोग जाना चाहते हैं। तो चलिए बिन मतलब की बातों को हटाते हैं क्योंकि जो होना है होगा वही, आते हैं टॉपिक पे। आज की टॉपिक ये है, आज की टॉपिक है एसएससी जेडी के ऊपर। अभी हाल ही में एसएससी जेडी की आंसर की आई। एसएससी जेडी के आंसर की आने के बाद बहुत सारे लड़कों का, बहुत सारे लड़कियों का सिलेक्शन होता हुआ दिखा। उन्हें अच्छे मार्क्स आए तो बहुत किन्हीं का खराब मार्क्स आया, तो वो अपने आप को इस बार सिलेक्ट होते हुए नहीं दिखा पा रहे। लेकिन अभी कुछ ही पल पहले, कुछ ही दिनों पहले नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसमें कुछ के मार्क्स बढ़े हैं और उसके बाद बहुत जल्द रिजल्ट आने के भी आसार हैं। तो बहुत जल्द आपके रिजल्ट, अगर हो सके तो 5 से 6 दिन में आपके रिजल्ट आ जाएंगे एसएससी जीडी के। सो तैयार रहिए, रिजल्ट कभी किसी भी वक्त आ सकता है। तो इन चीज़ों को छोड़ते हुए हमें सबसे पहले ये सोच रहे हैं कि एसएससी जीडी में जो फिजिकल होती है उन चीज़ों को, जो मतलब आगे जा रहे हैं जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं या फिर जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो क्वालिफाई होते हुए खुद को दिख रहे हैं या जिन्हें जो खुद में श्योर हैं कि उनकी सिलेक्शन इस बार पक्का है, तो अपने फिजिकल में लग जाए। क्योंकि फिजिकल 5 किलोमीटर की होगी और 5 किलोमीटर की रनिंग 1 महीने में प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है, और मुश्किल काम को जितनी जल्दी शुरू कर दी जाए उतना बेहतर है। तो हमारे पास वक्त इसलिए कम है क्योंकि ऐसा आसार है, ऐसा पता चल रहा है कि जहां कहीं भी खबर ये आ रही है कि फिजिकल जो है, अगर अभी रिजल्ट आता है तो मई के लास्ट तक में फिजिकल हो जाएगा। मतलब आपके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, 1 महीने से भी कम वक्त है। तो अगर आप चाहें, अगर आप पहले से रनिंग करते हुए आ रहे हैं तो आपके पास दिक्कतें कम हैं, लेकिन अगर आप कभी रनिंग किए ही नहीं है तो उन बंदों के लिए, उन बंदियों के लिए दिक्कतें बहुत हैं। तो सबसे पहले आपको फिजिकल पर अपना पूरा जोर लगाना है। मेरे भाई मेरे बहन, आप जहां कहीं से भी एसएससी जेडी की तैयारी कर रहे थे, अगर आपका सिलेक्शन इस बार होता हुआ दिख रहा है तो आपको अपना 100% एसएससी जेडी के फिजिकल पर लगा देना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत ही कम है और हमें इतने से वक्त में ही एसएससी जेडी फिजिकल में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो एसएससी जीडी की जो फिजिकल होती है वो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है लड़कों के लिए, जिसमें हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि हमारे पास वक्त कितना है। वक्त कहने को 25 मिनट मिलता है, लेकिन वो वहाँ पे आपको 25 मिनट मिलते नहीं। जानते ही हो फौज का रूल हमेशा पहले ही खत्म होता है, तो 25 मिनट वहाँ मिलते नहीं, मिलते हैं मुश्किल से 23 से 24 मिनट। तो मेरे भाई, बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी रनिंग लगातार इम्प्रूव करनी होगी, डे बाय डे इम्प्रूव करनी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है, वक्त 1 महीने का है और उसमें 5 किलोमीटर की रनिंग बनानी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग की टाइम कितनी है। और अब ये समझिए कि 5 किलोमीटर की रनिंग की टाइम हमें 23 से 24 मिनट के अंदर रखना है, तो ये कैसे होगा? जो बंदे आर्मी की भर्ती जाते थे या फिर और कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ओपन भर्ती जाते हैं या फिर इससे पहले गए हैं, तो उन लोगों के लिए बेहतर है क्योंकि उनकी रनिंग ऑलमोस्ट अच्छी रहती है। जो बंदा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ जाता है, वो 1-2 किलोमीटर और दौड़ने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी टाइम भी अच्छी खासी 19-20 मिनट में, 17-18 मिनट में भी बंदे मार लेते हैं। तो अब बात करेंगे जो कभी नहीं रनिंग किए हैं वो क्या करें। मेरे भाई, आप अपने शूज उठाओ, लेस बांधो और सीधा ग्राउंड पे पहुंचो। पहले वार्म अप करो और अपने फिटनेस को पहले चेक कर लो कि आपकी वेट कितनी है। अगर आपका वेट 60-70 के बीच में है तो आप प्रॉपर रनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी वेट 70 से ऊपर है तो आपको हो सकता है दिक्कतें हो, इंजुरीज हो, लेकिन आपको अपना 100% देना है। ये जरूरी नहीं है कि कुछ ही क्षण में बहुत कुछ आप हासिल कर लो, लेकिन ये चमत्कार कभी भी हो सकता है कि अगर आपकी मेहनत में वो जोर होता है तो कभी कभी तकदीर भी झुक जाता है। तो हम बात करेंगे मेहनत की, क्योंकि तकदीर हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन मेहनत से हम तकदीर तक पहुंचने का एक रास्ता बनाते हैं। तो आपको अपना शूज उठाना है, लेस बांधना है, ग्राउंड पे जाना है और रेगुलर ये कोशिश करनी है कि लॉन्ग रनिंग जितनी से जितनी हो सके। और शुरुआत में आप जाकर 5 किलोमीटर रनिंग मत करने लगना, शुरू के 5 दिनों में आप स्लो स्लो रनिंग करके देखना, अपना एंड्योरेंस को चेक करना कि हमारे पास क्या कैपेसिटी है और हम क्या यूटिलाइजेशन रनिंग में अपने बॉडी को दे सकते हैं। तो आप उस तरह से अपने डाइट को फॉलो करिए, अच्छे प्रोटीन युक्त डाइट लीजिए, अच्छा डाइट लीजिए जिससे आपकी स्टेमिना बनी रहे, जिससे आपका एंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़े। तो इन चीज़ों पर फोकस करते हुए आप रनिंग में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले अपने डाइट को सुधारिए, डाइट में आप देखिए खा क्या रहे हैं। डाइट में बेसिक हो सके तो जो बेसिक लंच, बेसिक डिनर होता है हमारा, रोटी होता है, रोटी को जरूर इंक्लूड करें, साथ में घी लगाकर रोटी को खाएं और जितना हो सकता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाएं, जिससे शरीर में एक ऊर्जा मिले और जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग कर पाए।
तो मेरा मेनली फोकस ये है कि SSC JEE की जो रनिंग है उसके लिए आप अपने आप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत जल्द ही फिजिकल की डेट आने वाली है। सो जितने भी लोग हमें देखते हैं, आप सबसे बस यही कहना चाहूंगा कि 5 किलोमीटर की जो रनिंग है इसके लिए आपके पास वक्त बहुत ही कम है। कभी भी फिजिकल का डेट अनाउंस हो जाएगा तो हो जाइए तैयार। जो भी लड़के या लड़कियां सेलेक्ट होते हुए दिख रहे हैं खुद को, वो हो जाइए तैयार SSC JEE के फिजिकल में 5 किलोमीटर की रनिंग को अच्छे तरह से अपने आप को उसमें ढालने के लिए अपनी प्रयास को स्टार्ट कर दीजिए। यही कहना है इस वीडियो के माध्यम से। और जो कहीं से भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप सबको बता दें कि रनिंग की जो भी टिप्स ट्रिक्स है वो आप बेशक हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं, बेशक आप इंस्टाग्राम पे आर्मी बॉय जो हमारी अकाउंट है उस पर पूछ सकते हैं। और आप अगर इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करोगे या कुछ भी आइडिया हमें दोगे कि भैया इस टॉपिक पर अगली वीडियो बनाओ, मैं बेशक बनाऊंगा। मैं लिख के कहता हूँ, अपनी बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जरूर बनाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सबसे कि मैं उस टॉपिक पे अपनी कंटेंट जरूर लाऊंगा, जो भी आप चाहते हैं। लेकिन प्लीज हमें यूट्यूब पे सपोर्ट करिए। हम आप सबके लिए जो भी नोटिफिकेशन आएंगी SSC से रिलेटेड या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस से या इंडियन आर्मी से, मैं सब कुछ यहाँ आप तक आपके साथ शेयर करूंगा। तो बस यही कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन प्लीज मेरी बातों को इग्नोर ना करिएगा, अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको क्या पूछना है या फिर मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। आप सब कुछ बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो को प्लीज अगर आपने पूरा देख लिया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरे पास ऐसे इतने ज्यादा टूल्स नहीं है कि मैं आपको अच्छे से दिखाऊं जैसे और सब बंदे आजकल यूट्यूब पे बनाते हैं। मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करते तो मैं भी अपना यूट्यूब जर्नी अच्छा से रखता। मैं भी 4C जो दीवानगी है, जो बंदे हमारे साथ जुड़े हैं उन तक सब कुछ शेयर करता, सब कुछ अच्छे से दिखाता। लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये है और शायद यही मेरे लिए, यही बैकग्राउंड मेरे लिए बहुत प्यारा है। इसी को देख के दिल को सुकून मिलता है। खैर कोई नहीं, आप लोग के सपोर्ट के साथ एक दिन बहुत आगे जाना है और हर कोशिश प्रयास करना है कि आप तक अपनी आवाज़ हमेशा शेयर करते रहो। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते ही करने के साथ एक प्यारा सा मोटिवेशन है आप सबके लिए कि दुआओं का काफिला चलता रहेगा, कि दुआओं का काफिला चलता रहेगा अगर मेहनत बेहिसाब होता रहेगा। और कोई सरफिरा ही रास्ता है इतिहास, इस बात को अगर तू जानता होगा तो मेरी जान लिख के ले ले, इस बार SSC JEE में तेरा फिजिकल भी पार होगा, तेरा फिजिकल भी पार होगा। लव यू एवरीवन, जय हिंद। और हो जाइए SSC JEE फिजिकल के लिए तैयार, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत ही कम है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, माँ बाप का ख्याल रखिए और इस वतन के लिए अपनी मोहब्बत बरकरार रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को प्लीज शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।